आज हम नर्सिंग फंडामेंटल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हेल्थ असेसमेंट। तो सबसे पहले हम हेल्थ असेसमेंट के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ वेलबींग। मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली अगर वो फिट है तो भी आप उसे हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली नहीं है तो वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है। तो हेल्थ की जो है, इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट मिला के ही एक हेल्दी पर्सन बनता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं असेसमेंट या हेल्थ असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, असेसमेंट एक सिस्टमेटिक और डायनामिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर नर्स क्या करती है, इंटरेक्ट करती है पेशेंट के साथ और उसके बाद उसको केयर प्रोवाइड करती है, उसे हम बोलेंगे हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के कंपोनेंट हैं दो प्रकार के, सबसे पहला हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में अब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हम हेल्थ असेसमेंट क्यों करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करने के पर्पज क्या है। तो सबसे पहले हम हेल्थ असेसमेंट इसलिए करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट के डाटाज को कलेक्ट करेंगे अपन। डाटाज को कलेक्ट करने का पर्पज क्या होता है कि उसकी कोई भी अगर पास्ट हिस्ट्री रही हो डिजीज से रिलेटेड या कोई भी सर्जरी हो रखी हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम है उसे जानने के लिए, उसकी करंट हिस्ट्री को जानने के लिए और उसके बाद में एक क्लियर पिक्चर बनाने के लिए जिससे कि हम पेशेंट को मतलब केयर प्रोवाइड कर सकें अच्छे से। उसके बाद में जो पेशेंट है उसको अपन अर्ली स्टेज में जल्द से जल्द ठीक कर सकें उसके लिए भी हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी ही ठीक किया जा सके। सारे डाटाज को कलेक्ट करेंगे, उसकी हिस्ट्रीज को कलेक्ट करेंगे, उसकी मेंटली एंड सोशली जो वेलबींग है उसको, उसके सारे डाटाज को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कि उसके मॉनिटर करेंगे उसके अंदर हेल्थ के चेंजेस को कि नॉर्मली और अबनॉर्मली उसकी कंडीशंस को मॉनिटर करेंगे अपन। उसके बाद उसकी करंट में कंडीशन क्या है उसको मॉनिटर करेंगे, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको मोटिवेट करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, उसको एजुकेट करेंगे जिससे कि उसकी एंजाइटी कम हो सके और उसको ठीक होने में हेल्प मिल सके। और इसके बाद हम करते हैं कि क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस है, उन सबको जान जाए अपन इस पर्पज के थ्रू जिससे कि हम उन्हें भी दूर कर सकें। तो इसका मेन पर्पज यही होता है हेल्थ असेसमेंट का। इसके बाद हम पढ़ते हैं हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है कि ये कलेक्शन होता है सब्जेक्टिव डाटा का कि जिससे हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम को खुद पूछते हैं, पेशेंट अपने प्रॉब्लम्स के बारे में खुद बताता है, अपनी चीफ कंप्लेंट है, अपनी पास्ट हिस्ट्री है, अपनी फैमिली हिस्ट्री है या ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, सबके बारे में पेशेंट खुद बताता है। तो इनको अपन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे। इन सबको रिकॉर्ड करने का पर्पज क्या होता है कि जब सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा लेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, इससे उसकी प्रॉब्लम जो भी है उसको डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे उसकी हेल्थ को प्रमोट और जितनी भी डिजीज़ वगैरह है उससे क्योर करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट की हेल्प करेंगे। उसके बाद हेल्प कैसे करेंगे अपन, उसको ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके दे सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद जो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सब्जेक्टिव डाटा को, यानी कि पेशेंट प्रॉपरली अपनी सिचुएशन को नहीं बता पा रहा है नर्स को या डॉक्टर को, तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला आता है फिजिकल सेटिंग, दूसरा आता है क्लाइंट की जो पर्सनैलिटी या जो बिहेवियर है वो, अगर नर्स के साथ या डॉक्टर के साथ अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या वो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है या मेंटली स्टेबल नहीं है या फिजिकली स्टेबल नहीं है तो। और नेक्स्ट आता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, उसको वो क्या समझाना चाह रहा है वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा, तरीके से अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और
दूसरा उसको प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ नहीं आई है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर या उसका नॉलेज एंड स्किल जितने भी हैं सारे अफेक्ट करते हैं सब्जेक्टिव डाटा को। और दूसरा एक जो है वो है नर्स का जो नॉलेज और स्किल होगा वो भी सब्जेक्टिव डाटा को अफेक्ट करेगा, नर्स की पर्सनैलिटी और बिहेवियर है वो भी सब्जेक्टिव डाटा को अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं हेल्थ असेसमेंट के अंदर, हेल्थ हिस्ट्री। उसके बाद हम आते हैं फेवरेबल कंडीशन ऑफ कलेक्टिंग डाटा। डाटा को कलेक्ट करने की फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, सबसे सूटेबल कंडीशन कौन सी है, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। सबसे पहले एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें कि पेशेंट खुद को इंट्रोड्यूस कर सके या इंट्रोड्यूस कर सके, क्लाइंट खुद को खुद के नाम से पहचान सके या नर्स है उसे उसके नाम से बुलाए। उसके बाद क्या करेंगे कि नर्स और पेशेंट में आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए जो कि कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। तीसरा आएगा कि कंफर्टेबली सिट करवाना चाहिए उसको ताकि वो मेंटेन कर सके और एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करे नर्स और क्लाइंट के बीच में। उसके बाद उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, प्रॉपर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर नॉइज फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके अंदर। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाएंगे जिससे कि हमें डायग्नोस होगा कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लाइंट की जो भी उसके सेकंड कंडीशन आती है फेवरेबल वो है क्लाइंट विद एक्यूट प्रॉब्लम। अगर क्लाइंट है वो एक्यूट प्रॉब्लम में है, अगर उसको कोई दिक्कत है वो जस्ट हुई है या थोड़ा टाइम ही हुआ है तो अपन उसको आराम से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो तीसरी जो आएगी फेवरेबल कंडीशन की, अगर कोई हेल्दी क्लाइंट है तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से बता पाएगा। फोर्थ जो आता है वो नर्स मस्ट हैव टू अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल। नर्स के अंदर अप टू डेट नॉलेज और स्किल होना चाहिए, नर्स को तरीके आने चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए डिजीज से प्रिवेंट करवाने के लिए, प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए, और उसके अंदर स्किल्स होना चाहिए। देन जो अगला पॉइंट आता है फेवरेबल कंडीशन में वो आता है नर्स की पर्सनैलिटी और बिहेवियर। नर्स का बिहेवियर क्लाइंट के साथ कैसा है वो भी डिपेंड करता है। फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के फॉर्मेट क्या क्या है या कैसे अपन हेल्थ हिस्ट्री बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देते हैं बायोग्राफिकल डाटा। बायोग्राफिकल डाटा के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी एज, उसका जेंडर, या फिर उसकी प्रीवियस में कोई सर्जरी हो रखी हो, या उसकी जो नेम है, उसका जेंडर है, उसका बेड नंबर है, वार्ड नंबर है, या कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस है, या उसकी हिस्ट्री है, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन है, फैमिली से रिलेटेड जितने भी डाटा है उसको अपन बायोग्राफिकल डाटा के अंदर कलेक्ट करेंगे। सेकेंड जो आता है वो आता है चीफ कंप्लेंट के अंदर। चीफ कंप्लेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि पेशेंट जो होता है उसको जस्ट जैसे हॉस्पिटल में आया है या जस्ट उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, या हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई है जब अपन पेशेंट से पूछ रहे हैं तो उस समय उसको क्या फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो प्रायोरिटी उसको देंगे, उसे हम चीफ कंप्लेंट के अंदर रखते हैं। और प्रॉब्लम को अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे, जैसे पेशेंट बोल रहा है मुझे कफ है या मुझे फीवर है या मुझे वीकनेस हो रही है, तो उसको अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। सीक्वेंस होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जिसको आप डे बाई डे लिख सकते हैं। इसके बाद में है हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस यानी कि प्रेजेंट में पेशेंट की जो बीमारी है उससे रिलेटेड उसको उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जैसे उसकी लोकेशन, मतलब कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्रोनोलॉजी, उसकी सिटिंग, सब कुछ ये सारी प्रेजेंट इलनेस के अंदर हम काउंट करेंगे। देन जो अगला पॉइंट आता है वो आता है पेशेंट की पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हम बोलेंगे कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से,
या कोई पहले कोई मेडिकल डिजीज़ तो नहीं हो रखी, कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी, या कोई ट्रॉमा या इंजरी, या फिर कोई हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर चाइल्डहुड डिजीज़, या कोई इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, या लास्ट टाइम जैसे क्लाइंट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी आती है उसकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर। देन जो अगला पॉइंट आता है वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि पेशेंट है उसकी फैमिली के अंदर, जैसे उसकी मदर है, उसके फादर है, या उसकी ग्रैंड मदर है, या उससे रिलेटेड अगर उनको कोई डिजीज़ तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हाइपर टेंशन, डायबिटीज़, ये सारी जो है वो फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो डिजीज़ आती है वो है, या सीजर प्रॉब्लम हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, तो ये सारी जो होती है वो फैमिली हिस्ट्री के अंदर आती है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अपन एक फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली हिस्ट्री के तौर पर अपन ऐसे ट्री बना के उसको समझाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में अपन डाटा कलेक्ट करेंगे उससे, उसकी जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या उसको कोई भी जैसे पर्पल तरीके की प्रॉब्लम हो जॉब से रिलेटेड, या अपने वर्किंग एरिया से रिलेटेड, तो वो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के अंदर अपन काउंट करेंगे। उसके बाद में हम जैसे फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्लाइंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। Thank you.